देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। डोनाल्ड को मनोचिकित्सक डॉक्टर अवस्थी के सामने वाली कुर्सी पर बिठाया गया। डोनाल्ड पूरी तरह से कांप रहा था, मानो उसे बहुत ठंड लग रही हो। वो फिर डर के मारे यहां वहां भी देख रहा था। डोनाल्ड की इस हरकत को अवस्थी ने नोट किया। हवलदार ने डोनाल्ड को जिस कुर्सी पर बिठाया था उसी के हत्थे से उसके बाएं हाथ को हथकड़ी से बांधे हुए वो गेट के पास खड़ा हो गया। डॉक्टर अवस्थी ने एक और बार डोनाल्ड के केस पेपर देखे। डोनाल्ड पेशे से एक किसान था, मिलनसार और नेक व्यक्ति, करीब 34 साल का, एक पत्नी, दो बच्चे जिनमें से एक लड़का और एक लड़की थी। फिर कुछ दिन पहले डोनाल्ड के पड़ोसियों को चीखने की आवाज सुनाई दी उनके घर से। पड़ोसी जब भागते हुए आए तो घर के भीतर का हाल देख सहम उठे। घर में डोनाल्ड की बीवी बच्चों के विभत्स शव पड़े हुए थे और उनके पास ही डोनाल्ड बेहोश पड़ा था। पुलिस से पूछे जाने पर डोनाल्ड ने तो यही कहा कि उसके बीवी बच्चों की हत्या उसने नहीं की बल्कि उसके भीतर के दानव ने की है। केस पढ़कर डॉक्टर अवस्थी ने अपने नोटपैड पर लिखा, यह आदमी मनोविदलता के लक्षण दिखा रहा है। डॉक्टर अवस्थी ने बड़ी नम्रता से डोनाल्ड से कहा, तो मिस्टर डोनाल्ड, आपके हिसाब से आपकी पत्नी और बच्चों को आपने नहीं मारा बल्कि आपके भीतर के दानव ने ऐसा किया है, क्या आप इस बारे में खुलकर कुछ बता सकते हैं? डोनाल्ड कांपती हुई आवाज में बोला, वो मेरे भीतर ही रहता है। वो एक वेयरवुल्फ है, बड़ा और भयानक। बचपन में मुझे एक भेड़िए ने काट लिया था, मैं बहुत डर गया था। तब उसी के बाद उस वेयरवुल्फ का जन्म हुआ। वो मैं ही हूँ, पर मैं नहीं हूँ। हम एक ही शरीर में रहते हैं पर अलग हैं। ये सुन डॉक्टर अवस्थी ने अपने नोटपैड पर लिखा, बचपन में हुई घटना के कारण सदमा, खुद के भीतर एक से अधिक व्यक्ति के होने का एहसास, ये दोनों ही मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लक्षण हैं। तभी डॉक्टर अवस्थी ने कहा, मिस्टर डोनाल्ड, क्या आप उस रात के बारे में बता सकते हैं कि असल में हुआ क्या था? इस पर डोनाल्ड बोला, मैं खेतों में काम करके लौटा था। तब शाम होने लगी थी और चांद निकल रहा था। आगे डोनाल्ड ने कहा, वो रात पूरे चांद की रात थी। पूरे चांद को देख वो वेयरवुल्फ उग्र और बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। मैंने गलती से चांद देख लिया और बाहर निकल आया। उसने मेरी पत्नी जुलिया को मार दिया और फिर वो बच्चों के पीछे भागा। मैं कुल्हाड़ी उठाकर उन्हें बचाने भागा पर वो उन्हें मार चुका था। मैं बहुत रोया। अपनी कहानी बताकर डोनाल्ड ने डॉक्टर अवस्थी को देखा। डॉक्टर अवस्थी बड़ी ही अजीब तरीके से नोटपैड पर कुछ लिख रहे थे। उन्हें देख डोनाल्ड को बहुत गुस्सा आया और वो बोला, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना डॉक्टर साहब? आप इस कमरे की बत्तियां बुझा दें, अभी चांद निकल रहा है। भले ही वो पूरा नहीं है पर उसे देख वो वेयरवुल्फ आ जाएगा। अभी पर्दे खोल दीजिए और देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। डॉक्टर अवस्थी ने यह सुना और ठीक वैसा ही करने का आदेश दिया हवलदार को। डॉक्टर अवस्थी डोनाल्ड के भीतर छुपे उस वेयरवुल्फ वाले व्यक्तित्व को भी देखना चाहते थे। कमरे में अंधेरा हो गया और खिड़की के पर्दे हटा दिए गए। डोनाल्ड की कुर्सी को खिड़की के नज़दीक रखवा दिया गया। काले आसमान में आधा चांद निकला हुआ था। उसकी चांदनी कमरे में फैल गई। उस चांद को देख डोनाल्ड पूरी तरह से कांपने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसे मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो। हवलदार ये देख डोनाल्ड की सहायता के लिए भागा पर डॉक्टर अवस्थी ने उन्हें रोक दिया। डोनाल्ड अब पूरी तरह से चीखने और चिल्लाने लगा। उसकी चीखों से ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत पीड़ा में हो। डॉक्टर अवस्थी जानते थे कि भ्रम की दुनिया में रहने वाले मरीजों को इस तरह की नकली पीड़ा का आभास होता ही है।
इसलिए उसने अधिक चिंता नहीं जताई डोनाल्ड के लिए। और तभी डॉक्टर अवस्थी की आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। वो दृश्य देख डर के मारे वो चीख पड़े। डोनाल्ड का शरीर अचानक ही फट पड़ा और अचानक से उसके अंदर एक बहुत ही भयानक दैत्य निकला, करीब 3 मीटर ऊंचा और पहलवान जैसा सुडौल शरीर वाला भयानक वेयरवुल्फ। डॉक्टर अवस्थी और हवलदार ये देख बिल्कुल समझ नहीं पाए कि डोनाल्ड के तीक्ष्ण आकार का ये राक्षस उसके अंदर कैसे छुपा रहा। हवलदार ने अपनी बंदूक उठाई और उस पर तान दी। वो वेयरवुल्फ उन्हें देख बिल्कुल भी नहीं डरा बल्कि उन्हीं की ओर टूट पड़ा। डॉक्टर अवस्थी तो अपनी जगह पर जड़ हो गए थे खौफ के मारे। हवलदार ने वेयरवुल्फ पर गोलियां दागी पर उसका ज्यादा असर नहीं हुआ। उसने एक बार में उन दोनों हवलदारों को आधा काट दिया और फिर उन्हें उठाकर खाने लगा। पर तभी किसी सर्प की उतारी केचुली की तरह जमीन पर पड़ा डोनाल्ड जाग उठा। उसका शरीर पहले की तरह चपटा नहीं रहा और वह वापस से मनुष्य बन गया। वेयरवुल्फ को देख वो डॉक्टर अवस्थी से बोला, देखा डॉक्टर आपने, मैंने अपने बीवी बच्चों को नहीं मारा था। चपटा होने के कारण डोनाल्ड का हाथ उसकी हथकड़ी से निकल गया था। फिर वो वेयरवुल्फ की तरह कूदा और उसकी पीठ पर चढ़ गया। काफी समय तक उन दोनों के बीच जद्दोजहद चलती रही। डॉक्टर अवस्थी आंखें फाड़े बस उन्हें देखते रहे। तभी अचानक डोनाल्ड दोबारा से फटा और वो वेयरवुल्फ उसी में समा गया। वो वेयरवुल्फ जैसे लुत्फ हो गया और फिर डोनाल्ड बेहोश होकर गिर पड़ा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। सुनील को अभी अभी अपने गांव के पुलिस थाने में हवलदार की नौकरी लगी थी। उसको शहर से गांव आए हुए अभी कुछ दिन ही हुए थे। उसकी इच्छा थी कि वो शहर में नौकरी करेगा, पर अकेली माँ की देखभाल उसके अलावा और कौन रखेगा। ये सोचकर वो पुलिस की परीक्षा पास कर अपने ही गांव के पुलिस थाने पर नौकरी में लग गया। अभी तो उसे नौकरी लगे 15-20 दिन ही हुए थे, बस फिर उसे बहुत कुछ सीखना बाकी था। इसलिए वो हर काम अपने बड़े अधिकारी से पूछ पूछ कर करता था। आज सुनील की नौकरी का 18वां दिन था। अभी रात के 8 बजने को थे। बड़े अफसर जा चुके थे सुनील के साथ और दो हवलदार परेश और अंकित भी अपनी रात की नौकरी पर लगे हुए थे। तीनों ने आपस में मिलकर सोचा कि एक एक कर हम तीनों कुछ घंटे सो लेंगे और बाकी दो लोग जागकर अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। बाकी दो हवलदारों ने सोचा, अभी हमें नींद नहीं आ रही तो हम एक काम करते हैं, सुनील को पहले सोने बोल देते हैं और बाद में जब आधी रात होगी तो हम दोनों एक एक कर सो जाएंगे और सुबह होने तक सुनील हमारी ड्यूटी करेगा। दोनों की चालाकी सुनील समझ ना सका और वो 9 बजे ही सो गया। जैसे ही घड़ी में 12 बजे, बाकी दो हवलदार ने सुनील को उठाकर खुद सोने चल पड़े। यहाँ सुनील को कुर्सी पर बैठे बैठे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए उसने थाने के बाहर के बारामदे में कुर्सी लगाकर बैठने का सोचा। इन लोगों ने तो कहा था कि दो लोग जागेंगे, पर यहाँ तो दोनों ही सोए पड़े हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही ड्यूटी कर लेता हूँ। वैसे भी थाने में बहुत गर्मी लग रही है और यहाँ बाहर देखो कितना ठंडा मौसम है, यहाँ पर बैठना ही ठीक होगा। ये कहते हुए सुनील बाहर आकर बैठा। रात के 1 बजने को थे। सुनील अपनी कुर्सी पर आंखें बंद कर बैठा ही था कि तभी उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे से कोई तो दौड़ कर गया। तो वह तुरंत ही कुर्सी पर खड़े होकर आसपास देखने लगा, पर वहां उसके सिवाय काले अंधेरे को और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। आसपास नजर डालने के बाद वो फिर से अपनी कुर्सी पर जैसे बैठने जा ही रहा था तभी उसके कानों में जोर जोर से कुछ आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोहे का दरवाजा
बहुत जोर से पीट रहा हो। आसपास देखने के बाद उसे पता लगा कि आवाज ठीक थाने के पीछे से आ रही है, जहां ढेर सारी पुरानी गाड़ियां पड़ी हुई है। एक पल के लिए उसे लगा कि चोर गाड़ियों का लोहा चुराने की कोशिश कर रहे हैं। सुनील बहुत बहादुर इंसान था, इसलिए वो बिना देर किए अपने कदम उस आवाज की ओर बढ़ाने लगा। जैसे ही उसने दो कदम आगे बढ़ाए, वो फिर से दो पल के लिए रुक गया और अपने आप से ही मन में कहने लगा, अगर मैं चला गया तो यहाँ का ध्यान कौन रखेगा। एक काम करता हूँ, परेश को बताकर जाता हूँ, मेरे आने तक वो यहाँ का ध्यान रख लेगा। इतना कहते हुए सुनील परेश के पास गया और उससे बोला, उठो, हे सुनो, पुलिस थाने के पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, इसलिए मैं देख कर आता हूँ, तब तक तुम यहाँ का ध्यान रखना। गहरी नींद में होने की वजह से परेश ने सुनील की बातों को नज़रअंदाज किया और फिर से गहरी नींद में सो गया। दूसरी तरफ अभी भी सुनील को वो आवाज़ें अच्छे से सुनाई दे रही थी, इसलिए वो अपनी लाठी को उठाते हुए आवाज़ का पीछा करने लगा और अपने आप से ही कहने लगा, पुलिस थाने के पीछे तो पुरानी गाड़ियों का ढेर है, भला वहां इस वक्त कौन हो सकता है, कोई चोर होगा। अगर मेरी बात सच निकली तो ये मेरा पहला केस होगा जहां मैं अकेले ही बिना किसी के मदद के चोरों को पकड़ लूंगा, और फिर तो प्रमोशन पक्का। सुनील को गांव में आए हुए बस कुछ दिन ही हुए थे, इसलिए वो बहुत सी बातों से अनजान था। इसलिए वो अपनी बहादुरी दिखाते हुए पुलिस थाने के पीछे जा रहा था। वहां कई धूल खाई पुरानी गाड़ियां पड़ी हुई थी। सुनील इन सब गाड़ियों को देख कुछ मिनट खड़ा रहा। उसे अब वो आवाजें सुनाई देना बंद हो गई। उसे लगा कि चोर डर कर भाग गए, इसलिए वो चुपचाप बिना कुछ कहे थाने की ओर जाने को मुड़ा ही था। जैसे ही वो मुड़ा, उसे फिर से किसी के दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई दी, और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, और वैसे ही आवाज फिर से बंद हो गई। अब सुनील को पता था कि आखिर आवाज आ कहां से रही है। वो आवाज उसके ठीक सामने खड़ी एक बस में से आ रही थी। बस की हालत देखकर लग रहा था जैसे बस बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। अब सुनील को लग रहा था कि जरूर बस में कोई छुपा हुआ है। सुनील अब बिना वक्त गवाए सीधा बस के अंदर चढ़ गया, और बस में चढ़ते ही उसने देखा, यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर आवाज़ कहाँ से आ रही थी, अजीब बात है, आवाज़ बंद भी हो गई। यहाँ वहाँ देख जब सुनील बस से नीचे उतर रहा था, तब उसकी नज़र बस की चाबी के छल्ले पर जाती है, जो अब भी बस में ऐसे लगी हुई थी जैसे कि अब भी इस बस को कोई चला रहा हो। सुनील उस चाबी को देखते हुए अपनी लाठी को सामने की सीट की ओर टिकाते हुए खुद जाकर ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। सुनील को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बस का ड्राइवर हो। सुनील ने बस की चाबी घुमाई और अपने दोनों हाथ से बस की स्टीयरिंग को गोल गोल घुमाने लगा। तभी अचानक उसको पीछे से किसी ने जोरदार धक्का दिया। उसका मुंह सीधा बस की स्टीयरिंग पे जा बजा। जैसे ही वो अपने आप को संभालते हुए पीछे की ओर मुड़ा, वैसे ही बस की जोर से हॉर्न बज उठा। सुनील पूरी तरह से डर गया। उसे एक पल के लिए भी समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। बंद पड़ी बस में भला हॉर्न कैसे बज सकता है। सुनील आगे कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे बस की आखिरी सीट पर किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। सुनील जान गया कि इस बस में कुछ तो गलत है, मगर वो डर भी रहा था और उसे ये जानना भी था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सुनील धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ा, और जैसे ही सुनील बस के पीछे पहुंचा, सामने का नजारा देखकर वो डर से कांपने लगा। बस के सबसे आखिरी सीट पर एक बहुत ही भयानक दिखने वाला बच्चा बैठा हुआ था, जो अपना सिर उठाकर जोर जोर से रो रहा था। उसकी चीखें सुनील का कान फाड़ दे रही थी, जिसके बाद सुनील तुरंत बस से नीचे उतरा और भागकर थाने में आया। अगली सुबह उसे पता चला कि दरअसल बहुत पहले वो एक स्कूल बस हुआ करती थी।
जो खाई में गिर गई थी और जिसके बाद इस बच में सवार सभी बच्चे और ड्राइवर समेत सबकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।